मीडिया स्किल्स कोच नासिर मलिक की जानिब से आपको अस्सलामु अलैकुम, ग्रीटिंग। आज हमारा टॉपिक है मास कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को शेयर करने का और एक्सचेंज करने का। डिफरेंट एंड डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जाम है, फाइंड जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मीडियम्स कहा जाता है इसके जरिए हम अपना मैसेज पब्लिक्स और डिफरेंट पॉपुलेशन को सेंड करते हैं। इसमें ब्रॉडकास्ट मीडिया है, इसमें प्रिंट मीडिया है, इसके अंदर ट्रांजिट या आउटसाइड मीडिया है और डिजिटल मीडिया है। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर रेडियो, टीवी और रिकॉर्डेड वीडियोस एक्स्ट्रा। ट्रांजिट मीडिया या जिसको आउटसाइड मीडिया कहते हैं। डिजिटल मीडिया है, इंटरनेट, सोशल मीडिया इसमें शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट मीडिया के हवाले से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी अहमियत डिजिटल मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के आने की वजह से ख़त्म हो गई है, तो ये सही बात नहीं है। ये अब भी उसी तरह कायम दायम है, अपने आप को अमर्ज किया है डिजिटल मीडिया के अंदर। वेबसाइट्स हैं इनकी। कन्वेंशनल मीडिया में प्रिंट मीडिया सबसे अहमियत का हामिल है, मैं ज़िक्र करना चाहूँ, वो है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में और स्पेशली प्रिंट मीडिया में सबसे ज़्यादा अथेंटिक और एक अहमियत जो जिसे दी जाती है वो न्यूज़पेपर मीडिया है। प्रिंटेड मीडिया में चीज़ें आती हैं, वो मैगज़ीन्स हैं, उसके अंदर बुक्स हैं, उसके अंदर नॉवेल्स हैं, जर्नल्स हैं, कॉमिक्स बुक्स हैं और रिपोर्ट्स हैं, उसका फैलाव बढ़ता जाता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया में रेडियो और टीवी प्रोमिनेंट इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो की। रेडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ था जब तक टीवी नहीं आया, और इसकी अहमियत आज भी बहुत अहम है, क्योंकि डिजिटल मीडिया आने की वजह से अब ऑनलाइन रेडियोज भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। रेडियो में AM, FM, मीडियम वेव। दूसरी किस्म है वो है टीवी। टेलीविज़न जब आया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि आवाज़ के साथ ऑडियो विजुअल भी हो गया, आवाज़ के साथ तस्वीर भी आना शुरू हो गई, ब्लैक एंड वाइट और फिर उसके बाद कलर। रेडियो और टीवी के बाद रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी इसका हिस्सा हैं। रिकॉर्डेड म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्रीज या रिकॉर्डेड मीडिया जिसको बोलते हैं, वो इस ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर आता है। फिर जो तीसरी किस्म है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही नुमायां किस्म है, जिसे हम सब पसंद करते हैं, वो है फिल्म। फिल्म यानी कि मूवीज़, और ये एक बिल्कुल अलहदा ब्रॉडकास्ट का एक मीडियम है। सारे लोग, नौजवान और हर तरह का तबका फिल्म को पसंद करता है, और फिल्म्स में भी बहुत सारी अकसाम हैं। फिल्म और टीवी में जो 90% जो मेजर हिस्सा है, फिल्म और टीवी को आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो न्यूज़, ड्रामा, इंफोटेनमेंट, स्टोरी टेलिंग, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैरियर वाइज भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत ही जिद्दत आती जा रही है, बहुत टीवी को ले लें या फिल्म को ले लें, इसके अंदर अब इसमें इतने शोबे हो चुके हैं कि एक शोबे को भी आप लें तो उसके ऊपर घंटों बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिट मीडिया या आउटसाइड मीडिया। ट्रांजिट मीडिया या आउटसाइड मीडिया, आउटडोर मीडिया भी कहते हैं। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जो डिफाइंड पब्लिक्स होती हैं उनके साथ हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसमें बिलबोर्ड, पोस्टर्स, बोर्डिंग्स, बैनर, स्टीमर्स, फ्लैक्स, स्टैंडीज, ये बहुत सारी इसकी किस्में हैं। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, अंदर बाहर, रेल, हर जगह पे आपको जहाँ पर भी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई एड मिल रहा है, ये तमाम की तमाम ट्रांसिट मीडिया या आउटडोर मीडिया के ज़ुमरे में आती है। अहमियत इसलिए ज़्यादा है
कि जो एडवर्टाइज़र होता है, जो ये मैसेज सेंड कर रहा होता है, उसका अपना फुल कंट्रोल होता है अपने मैसेज की। तकरीबन दो दहाइयों से डिजिटल मीडिया जो है हमारे जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है, हम उसका हिस्सा बन चुके हैं, ये कहना गलत ना होगा। भरपूर इनकलाब, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मीडिया है, ब्रॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया, इनसे ये नया है, तमाम अहाता कर लिया असल मानों में, जिसको इनकलाब हम बोलते हैं, और वो बहुत ही एफिशिएंट और इकोनॉमिकल, इसको हम मीडिया कह सकते हैं, उसे लफ्ज़ों में न्यू मीडिया भी बोलते हैं। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही क्विक, किसी जगह पर भी हैं आप, दफ्तर में हैं, स्कूल में हैं, घर में हैं, कहीं पर भी आप इसको एक्सेस करके फौरन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मोबाइल निकालना है, अपना लैपटॉप निकालना है, अपना टैब निकालना है, क्रिएट करना है, वो आप ले सकते हैं। डिजिटल मीडिया को इंटरनेट या सोशल मीडिया भी, और इसके अंदर मोबाइल भी शामिल है। ईमेल्स, पॉडकास्ट, वेबसाइट, वीडियोस, ई बुक, जिक्र करते हैं सोशल मीडिया, ये सोशल नेटवर्क्स इसके प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे लोग इंटरेक्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे पाया जाता है। इसकी अकसाम हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉगिंग। थैंक यू व्यूअर, आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुक्रिया, थैंक यू।